साल 1999 जम्मू कश्मीर के करगिल में पाकिस्तानी सेना आतंकियों के भेस में घुस गई और नेशनल हाईवे जैसे महत्वपूर्ण रास्ते को आसानी से निशाना बनाने के लिए हिमालय की चोटियों पर बैठ गई। जब भारतीय सेना को खबर मिली तो जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन टाइगर हिल पर फतह हासिल करने में भारतीय सेना को मुश्किलें आ रही थी। तब सेना की 18 ग्रेनेडियर्स को बुलाया गया। रेजिमेंट के शक्ति सिंह इसी बटालियन में कारगिल युद्ध लड़ने पहुंचे। 10 सितंबर 1968 को हरियाणा के गांव भगाना में किसान परिवार में जन्मे शक्ति सिंह ने करगिल युद्ध में 15 मई से 4 जुलाई तक लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी सीमा के पास सबसे पहले उन्होंने द्रास सेक्टर में ऊंची चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों को मार गिराया। अगला टारगेट टाइगर हिल को जीतना था। शक्ति सिंह की टीम ऐसी जगहों पर फंसी थी जहां ना तो पानी पहुंच सकता था ना खाना। जो चीजें साथ ले गए थे वो भी खत्म हो गई। ऐसे में उन्हें भूखे प्यासे ही युद्ध लड़ना था। उन्होंने बताया कि तब जोश इतना था कि इन सब बातों की परवाह नहीं की। दुश्मन काफी ऊंचाई पर था, जवानों को सीधा निशाना बना रहा था। लड़ाई में बटालियन के 32 जवान घायल हुए और 37 जवान शहीद हो गए। शक्ति सिंह ने भी दुश्मन की गोलियों का सामना किया। चोटी पर विजय मिली पर डॉक्टरों को शक्ति सिंह के पैर काटने पड़े। आज भी दुश्मनों की 2 गोलियां उनकी जांघों में धंसी हुई है। पूरे शरीर पर गोलियों के निशान है, फिर भी वे उतने ही जोश के साथ अपनी जीत की कहानी सुनाते हैं। उनका कहना है कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनकी बहादुरी के लिए उन्हें राष्ट्रपति ने सेना मेडल से सम्मानित किया। कारगिल युद्ध से जुड़ी और भी अपडेट के लिए नेशन मिरर को फॉलो और सब्सक्राइब करें।